आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, शब्द के बारे में बात करेंगे। तो शब्द क्या होता है? देखिए, जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है शब्द के लिए, तो शब्द कहलाता है। जब स्वतंत्र रूप से शब्द का प्रयोग कहीं पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे शब्द नहीं कहते, पर इसको उपपद कहते हैं। जब यह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसको क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। जब यही सब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसको पद के नाम से जाना जाता है, इसको पद कहते हैं। ठीक है, तो पद के भेद देख लेते हैं। पद के भेद पद के भेद देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय। वो पद के यही भेद होते हैं, पद को कितने भाग में बांटा गया है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय।